और मैं अभी कर रही हूँ पूजा शिव पार्वती जी और गणेश जी की। तो चलो मैं अभी इनकी कर देती हूँ पूजा। साल में दो बार करी जाती है, एक करवा चौथ के दिन और एक आज। तो इधर आओ, आओ इधर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हूँ, उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे। आज है हरतालिका दिन। सभी औरतों को, सभी कुंवारी लड़कियों को मेरी तरफ से हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह व्रत क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में बने रही है। और मैं अभी जा रही हूँ जहाँ पर मिट्टी के गणेश जी, पार्वती जी और शिव जी भगवान बनाए हुए हैं, वहाँ के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। और वहाँ की पूजा करने के बाद कथा सुनेंगे, इसके बाद फिर शिवजी मंदिर जाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए। और मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। पूजा की थाली में क्या क्या लेना है आपकी इच्छा के अनुसार, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हो। मैं आपको बताती हूँ पूजा की थाली में मैंने क्या लिया है, मेरे पास क्या उपलब्ध था जो मैंने लिया है वो देखिए। मैंने पूजा की थाली में ये जनोई ली है। जनोई है जो शिवजी भगवान के लिए है। और ये जो लच्छा है वो वस्त्र के रूप में है, शिवजी भगवान, पार्वती जी और गणेश जी के। और ये जो चूड़िया है वो माता पार्वती जी को पहनाई जाएगी। और ये जो लाल वस्त्र है जो माता पार्वती जी के लिए है। और ये सफ़ेद वस्त्र है जो भगवान शिव जी के लिए है। और ये घी का दीपक है। और ये पंचामृत है। और ये है उड़द है, चावल है, इसके बाद मूंग है ये। और ये मेहंदी है, ये कुमकुम है, ये हल्दी है, और ये चावल है। और इसके नीचे जो डिब्बे उसमें अष्टकर है, ये भगवान शिव जी के लिए है। माता पार्वती को और गणेश जी को कुमकुम चढ़ाया जाता है, ठीक है। इन सब सामग्री से मेरी पूजा की थाली तैयार है। इसमें कमी है फूलों की और बेलपत्र की, और जो धतूरे का फूल आता है और धतूरे का फल आता है उसकी कमी है, ठीक है। तो वो मैं मंदिर जाकर ले लूँगी बीच में रास्ते में। और मैंने ये प्रसाद ले लिया है, जो केले लिए हैं प्रसाद। पहले मैं जा रही हूँ शिवजी मंदिर जो हमारे गांव में है, तरनेश्वर जी महादेव, वहाँ पर। बेलपत्र और ये पीले फूल और ये जो धतूरे का फल होता है वो लिया है। भी आई हूँ मंदिर, ये हमारे गाँव का मंदिर है, तरनेश्वर महादेव जी का मंदिर। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इसे केवड़ा तीज, कजली तीज, हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मान्यता है कि इस दिन को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सहेली उनका हरण कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना होता है और आलिका अर्थात सहेली होता है। इस तरीके से इसका नाम हरतालिका तीज पड़ा। और मैं अभी कर रही हूँ पूजा शिव पार्वती जी और गणेश जी की। शिव जी को जनेऊ और सफ़ेद वस्त्र, गुलाल, भस्म आदि चढ़ाना चाहिए। और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी चाहिए इस व्रत में। इस व्रत को सुहागिन महिला और कुंवारी लड़कियां दोनों ही करती है। सुहागिन महिला इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। कुंवारी लड़कियाँ इस व्रत को मनचाहा वर पाने के लिए रखती है। यह व्रत करवा चौथ की तरह ही पति की लंबी आयु की कामना के साथ किया जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहने की कामना से घोर तपस्या के साथ यह व्रत किया था और बिना जल ग्रहण के उपवास करते हुए भोलेनाथ की पूजा की थी। अभी हमारे यहाँ मंदिर की पूजा हो गई है शिवजी भगवान की। अब हम जा रहे हैं वहाँ मिट्टी के गणेश जी, शिवजी और पार्वती जी बनाए हुए हैं वहाँ पर पूजने के लिए, पूजा करने के लिए, और वहीं कथा सुनेंगे। अभी मैं आ गई हूँ चोरे पर। यहीं पर हमारे गांव का कोई भी कार्यक्रम किया जाता है। तो देखो लता भाभी ने मिट्टी से शिव जी का पूरा परिवार बनाया है। मैं आपको बताऊंगी कि हमारे गांव में कैसे करते हैं इस व्रत को। किसी के भी द्वारा ऐसा शिव जी का पूरा परिवार बना दिया जाता है और सभी औरतें जिनका भी व्रत है वह यहां आती है, जिसको जैसे समय मिलता है उस तरीके से फिर शिव जी के परिवार की पूजा करती है, कथा सुनती है और एक टाइम फलाहार करती है। और दूसरे दिन शिव जी का जो मिट्टी से बना हुआ परिवार है उसको पानी में बहा दिया जाता है। और यूपी के लोग होते हैं वो करते हैं बिल्कुल निर्जल होकर यह व्रत, और हमारे यहाँ इस तरीके से करते हैं। और मैं अभी कर रही हूँ पूजा जो मंदिर में की थी ना उसी तरीके से। और अब मैं सुन रही हूँ कथा जो ये मेरे पास में बैठे हैं ना मेरे काकी जी, उनके द्वारा करी जा रही है, जैसे कि आप सुन रहे हो हमारी वागड़ी बोली में। कथा करने के बाद जो हाथ में चावल होते हैं वो भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये आ गए हैं स्कूल से, टाइप करके बैठे। टाइम हो रहा है, देखो
12-11 घंटे की इनकी ड्यूटी है। और ये गायों ने कर रखा है कितना गंदा देखो घर में। और मैं अब बना रही हूँ साबुदाने की खिचड़ी, तैयारी कर रही हूँ। करी नहीं है, इनके मुंह से निकल रहा टिट्टी, इनको लगी है भूख और मैं भूखी रही हूँ। वो ये आदत में ये देखो इनका व्यवहार, होशियारी मत मारो। तो चलो मैं अभी इनकी कर देती हूँ पूजा। साल में दो बार करी जाती है, एक करवा चौथ के दिन और एक आज। तो इधर आओ, आओ इधर। और ये गायों कर रही है मेरी धंधा भी कर रही है और सफाई भी कर रही है। देखो पापा मैं बना रही हूँ साबुदाने की खिचड़ी। सिंगदाने रख दिए गैस पे और खिचड़ी बनाने के बाद मिलते हैं। ये साबुदाने की खिचड़ी बनके तैयार है और अभी मैं खोलूंगी व्रत। कुछ इस तरीके से रहा मेरा आज का ये ब्लॉग। 6 बजे साबुदाने की खिचड़ी के साथ। और आज का ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते, शेयर करते और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को प्रेस करते और मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। बोल दे ये कैसा बना, ये कैसा बना? नहीं ऐसे बोल ना मम्मी, अच्छा बने ऐसे बोल, पूरा खा के बोल। अब बोल मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया है। मम्मी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर। बोल 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 अच्छा बनाया, सब्सक्राइब कर चैनल को। ठीक है।